बड़ी अपडेट, जैवलिन थ्रोअर नीरज ने पेरिस में सिल्वर जीता है। दो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने नीरज को बधाई दी। नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही कहा कि उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत खुश है एक और ओलंपिक सफलता के साथ वापस आए आगामी एथलीटों को आगे बढ़ने और देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को राहुल गांधी ने भी बधाई दी है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक मेडल और भारत के नाम हुआ, जहां नीरज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जैवलिन थ्रोअर में नीरज चोपड़ा ने यहां पर सिल्वर मेडल जीता है, जिसके बाद पीएम मोदी, सीएम सैनी, राहुल गांधी सभी ने बधाइयां दी है। देखिए, बिल्कुल गोल्डन बॉय है हमारे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने यहाँ पर इस बार सिल्वर मेडल जीता है और काफी रस्साकसी के बाद, जोर आजमाइश के बाद उन्होंने ये पदक हासिल किया है, तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। पिछली बार उन्होंने गोल्ड जीता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्लेयर जो अरशद नदीम है, उन्होंने एक अच्छा थ्रो किया जिसके चलते वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 92 मीटर से ऊंचा इन्होंने भाला फेंका पाकिस्तान के प्लेयर ने, और उसके बाद वो गोल्ड उनके खाते में गया। लेकिन भारत के नीरज चोपड़ा जो अपने दूसरे प्रयास में 89 मीटर से ऊपर भाला फेंकने में कामयाब रहे, इसके चलते उनको सिल्वर पदक यानी रजत पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन एक बड़ी जीत है ये भारत के लिए, नीरज चोपड़ा के लिए। व्यक्तिगत ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ओलंपिक में लगातार दूसरा पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये इतिहास बनाया है नीरज चोपड़ा ने। और जिस तरीके से जश्न का माहौल है देश में, उसकी गूंज सुनाई दे रही है उनके घर पर, जो हरियाणा से आते हैं वहां पर खूब जश्न मनाया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को पदक जीतने की बधाई दी है, अन्य राजनेताओं ने भी बधाई दी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अन्य पार्टियों के नेता लगातार ट्वीट कर रही हैं, नीरज चोपड़ा को विजेता बनने पर बधाई दे रही हैं। तो ये जो देर रात तक खेल स्पर्धा चली है, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, और इसके जरिए नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पिछली बार वो जो प्रदर्शन था उनका, ओलंपिक में पदक जीते थे गोल्ड मेडल, उससे भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी थ्रो यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर ने वो फेंकी थी, जिसके चलते वो गोल्ड के हकदार बने। लेकिन दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा ने भी यहाँ एक और पदक जीता है भारत के खाते में, और इसी के साथ रजत पदक के साथ यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने इस स्पर्धा में भारत का गौरव बढ़ाया है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते उनको बधाई दी है, उनके प्रयास के लिए, उनके योगदान के लिए, भारतीय खेलों को अविस्मरणीय पल का साक्षी बनाने के लिए हर कोई गदगद है। उनको यहाँ पर उनके इस हौसले की सबको ही तारीफ कर रहा है। तो नीरज चोपड़ा ने इतिहास रखा है, और एक बार फिर वो अपनी स्पर्धाओं में आगे की स्पर्धाओं की तैयारी करेंगे। साथ ही उन्होंने बयान भी दिया कि उनका दिन नहीं था और पाकिस्तान के प्लेयर ने एक अच्छी थ्रो की, जिसके चलते वो गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। तो दूसरी तरफ देखें तो लगातार खेल के मैदान में नीरज चोपड़ा बनाम अरशद जो नदीम है, जो पाकिस्तान के प्लेयर, उनकी स्पर्धा की बात होती रही है। खुद नीरज चोपड़ा को अपना आदर्श मानते हैं अरशद नदीम, और इसलिए अगर कहें तो एक अच्छी थ्रो के साथ उन्होंने गोल्ड हासिल किया, तो पाकिस्तान के लंबे इतिहास में गोल्ड हासिल हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा ने भी इतिहास रचा है और भारत को यहाँ सिल्वर मेडल दिलाया है, और इसी के साथ एक नया इतिहास भी रच दिया है। हाँ बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखे कि जब नीरज 14 साल के थे तब वो 70 किलो के थे, और इस बीच जब उनका सफर शुरू हुआ तो अपने वजन को लेकर उन्होंने तमाम जो एक्सरसाइज थी, जिम थी, ये सारी चीजें शुरू की, और खेल खेल में जो ये था पहला भाला फेंका था, उन्होंने ये भी साफ तौर से कहा कि कोई ऐसा नहीं था कि आगे वो इसमें ही बढ़ेंगे, लेकिन एक तरफ से जो उनका शौक था वो आज उनको मेडल जिता रहा है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने इस स्पर्धा में शुरुआत की थी, तो निश्चित तौर पर वो जो उनकी शुरुआत थी वो इसीलिए थी कि वो यहाँ पर ओवरवेट थे, और इसके चलते उन्होंने स्टेडियम का रुख किया था, और धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी जगी, जेवलिन थ्रो में उन्होंने हाथ आजमाने शुरू किए, और उसके बाद उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए यहाँ पर उनको उनके परिवार की ओर से बढ़ाया गया, कोच का इंतजाम किया गया, और उसके बाद उनकी प्रतिभा लगातार निखरती रही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। उन्होंने भारत के लिए काफी पदक जीते, और सबसे बड़ी कामयाबी टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जब दिलाया, भारत की झोली में डाला,
तो पूरे देशवासियों को नीरज चोपड़ा के इस पराक्रम का, इस खेल के मैदान में उनके जज्बे का पता चला। और उसके बाद नीरज चोपड़ा से एक बार फिर गोल्ड की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन निराश नहीं किया। यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने और बेहतरीन थ्रो के साथ सिल्वर मेडल के साथ यहाँ पर एक नया इतिहास रचा है। तो भारत के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड की स्पर्धा में लगातार दो ओलंपिक में लगातार पदक जीता है, ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने आगे की स्पर्धा को लेकर भी उम्मीद जताई है कि वो आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो उम्मीदें लगी हैं नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर, और एक बेहतरीन खिलाड़ी ने इस बार सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो बहुत बड़ा पदक है भारत के लिए, भारत की झोली में जो आया है। निश्चित तौर पर हर कोई यहाँ नीरज चोपड़ा के जज्बे को सलाम कर रहा है और उनके हौसले को हौसला अफजाई कर रहा है। तो तिरंगा लहराया है और रजत पदक हासिल किया है नीरज चोपड़ा के बलबूते, भारत ने एक और पदक हासिल कर लिया है। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी जीत है। लेकिन इस बीच ये भी जानेंगे कि अब जब वो भारत वापसी करेंगे तब उनके स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही, उनके गांव उनके परिवार वालों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, और देर रात से उनके घर के बाहर जश्न मनाया गया है, पटाखे फोड़े गए हैं, दीपावली मनाई जा रही है और लगातार लोग वहां पर जमावड़ा उनका देखने को मिल रहा है। हमने उनके परिवारजनों के बयान भी सुने हैं, जब उनसे पूछा गया खासतौर से अरशद नदीम को लेकर उनकी माँ का जो बयान है वो काफी चर्चित हो रहा है। तो क्योंकि बॉन्डिंग है जो दोनों खिलाड़ियों के बीच वो काफी अच्छी है, और पिछली बार जब बेहतरीन प्रदर्शन किया था नीरज चोपड़ा ने तब भी यहाँ पर जो यहाँ पर बयान हुआ था वो काफी सुलझा हुआ बयान था, और इसीलिए भले ही जो स्पर्धा दिखाई जाती है भारत पाकिस्तान के बीच मैदान में जो कटुता दिखाई जाती है वो इस मैदान में नहीं दिखती है। और नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच बेहतर संबंध है, खुद आदर्श मानते हैं नीरज चोपड़ा को अरशद नदीम, खुद उसकी माँ ने भी बयान दिया कि एक दूसरे बेटे ने भी पदक जीता है, तो उनका दिन था क्योंकि उन्होंने गोल्ड हासिल किया। लेकिन नीरज चोपड़ा ने भी यहाँ पर भारत को गौरवान्वित किया है और एक बार फिर पदक जीतने में कामयाब रहे हैं, तो बड़ी कामयाबी। और जश्न पूरा दिन मना रहा है, खासतौर से विशेषकर हरियाणा से जहाँ से नीरज चोपड़ा आते हैं वहां पर जश्न तो बहुत जोर शोर से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कल से तस्वीरें भी सामने आ रही है। फिलहाल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।